फ्रेंड्स, देखिए डिविजिबिलिटी का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर पहले एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स गिवन है, ए और बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए और बी हमने क्या ले रखे हैं, दो इंटीजर्स। वेयर बी इज ग्रेटर देन जीरो, जो एक इंटीजर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स, हमारे पास क्या होंगे, दो यूनिक नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे? Q एंड R, सच दैट वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये यहाँ पर R आएगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन B। ठीक है, R की वैल्यू जीरो के इक्वल या उससे बड़ी होगी और B से हमेशा छोटी ही होगा। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे। देखिए, अब A और B हमारे पास कोई भी दो नंबर्स गिवन है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो A इज द मल्टीपल ऑफ B या फिर A इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ B। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल हो और हो सकता है ना भी हो। तो देखिए, अगर ए बी का मल्टीपल है तो हमने मल्टीपल की डेफिनेशन पढ़ रखी है, डिविजिबिलिटी की वही बात होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी इंटू सम इंटीजर। ठीक है, वेयर क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसा हो जाएगा। तभी हम क्या कहेंगे, ए इज़ द मल्टीपल ऑफ बी, क्योंकि बी की किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ए इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो जीरो है उसको ही हम कैसे लिख देंगे, आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। यहाँ पर देखिए, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी हो गया। ठीक है, ये हमारे इस फर्स्ट केस से आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये केस लेंगे, a इज नॉट द मल्टीपल ऑफ b, देन हमें दिखाना है कि r की वैल्यू जीरो और b के बीच में ही होगी, इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए, अब क्योंकि a है वो b का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब वो b के किन्हीं दो मल्टीपल्स के एग्जैक्टली बीच में होगा। तो हमारे पास एक इंटीजर क्यू ऐसा जरूर मिलेगा, सच दैट जो b के मल्टीपल्स ले लेते हैं, बी क्यू और बी क्यू प्लस वन, लगातार वाले इंटीजर्स ले लिए, उन दोनों के बीच में आएगा हमारे पास हमेशा a। ठीक है, अभी जैसे कि हम ये ले लेते हैं, देखिए सेवन इज नॉट द मल्टीपल ऑफ टू, जो सेवन है वो टू का मल्टीपल नहीं है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेवन टू के किन्हीं दो मल्टीपल्स के बीच में आएगा, जो कि लगातार वाले मल्टीपल्स होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं कि टू इंटू थ्री और टू इंटू फोर, इनके एग्जैक्टली बीच में आता है सेवन, क्योंकि ये किसके मल्टीपल्स हैं, टू के, और टू के दो लगातार मल्टीपल्स रहिए, टू इंटू थ्री और टू इंटू फोर। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी वैल्यू क्यू की हो गई और ये क्यू प्लस वन है, तो आप इस एग्जाम्पल से इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, बी क्यू ए बी क्यू प्लस बी। ठीक है, पूरी क्वांटिटी में क्या कर देते हैं, बी क्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्यू लेस देन बी। ठीक है, और हमारे पास देखिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a माइनस बी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, r। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जीरो लेस देन r लेस देन b, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका मतलब जब a इज नॉट द मल्टीपल ऑफ b, देन हमारे पास जो r है वो जीरो और b के एग्जैक्टली बीच में होगा, और अगर a इज द मल्टीपल ऑफ b है, देन r की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला केस ही अराइज होगा। अब ये जो हमारी थ्योरम है वैसे कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक चीज़ रहती है यहाँ पर, क्या, यूनिकनेस। हमने यहाँ पर ये नहीं दिखाया कि जो ये क्यू और आर नंबर है ये यूनिक ही होंगे, तो हम क्या करेंगे, क्यू और आर कोई दूसरे नंबर्स और ले लेते हैं, और हम ये दिखा देंगे कि जो दो नंबर्स लेंगे वो इक्वल आएंगे। यूनिकनेस दिखाने के लिए हम यही करते हैं, दो नंबर्स ले लेते हैं, उनको इक्वल दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, ए को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और ए इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। ठीक है, जो यहाँ पर आर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आर डैश है वो भी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है,
इसको हमने इक्वेशन नंबर वन नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से देखिए, अगर इनकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, आर एक साइड कर लिया और बी क्यू डैश एक साइड कर लिया। अब हमने क्या किया, इसमें से बी को कॉमन ले लिया। बी को कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू डैश माइनस क्यू। और ध्यान से देखिए, ये भी हमारे पास इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दो इंटीजर का डिफरेंस ऑलवेज इंटीजर आएगा। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई, डिविजिबिलिटी की। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो बी है उसने किसको डिवाइड कर दिया, आर माइनस आर डैश को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही लिख दिया, बी डिवाइड्स आर माइनस आर डैश, आर आर डैश है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमारे पास है ना आर बी और आर डैश बी, इस इक्वेशन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए, हमने पहले कंडीशंस लिख दी, और क्योंकि आर बी और आर डैश बी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, बी से छोटे हैं, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या करेगा, बी से छोटा ही आएगा विद मॉडुलस, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी क्या आएगी, ऑलवेज लेस देन बी। ठीक है, अब देखिए इसको और इसको यूज करते हैं हम दोनों को। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस आर डैश इज लेस देन बी, और यहाँ से हमारे पास क्या है, बी डिवाइड्स आर माइनस आर डैश। ये हमने पता है कि अगर ए डिवाइड्स बी होता है तो मोड ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू हम पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ आर माइनस आर डैश। तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू लिख दी। ठीक है, दोनों साइड मोड लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक टाइम पे तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब हमारी आर माइनस आर डैश की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, अदरवाइज वो नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर आर माइनस आर डैश को जीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू आर डैश, मतलब कि हमें दिखाना है यूनिकनेस। यूनिकनेस के लिए हम क्या दिखाएंगे, आर इज इक्वल टू आर डैश और क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश। अब देखिए, यहाँ से आर इज इक्वल टू आर डैश तो हो गया क्योंकि रिमाइंडर इक्वल होंगे। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्यू इज इक्वल टू क्यू डैश भी आ जाएगा। देखिए, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे इज इक्वल टू बी और क्यू डैश माइनस क्यू। लेकिन हमारी स्टेटमेंट में गिवन है जो बी है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये क्वांटिटी तो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू डैश माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू भी हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जब हमने दो अलग अलग तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन की तो क्यू डैश क्यू के इक्वल आ रहा है और रिमाइंडर भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिकनेस और प्रूफ होगी। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। आगे कुछ थ्योरम करने से पहले हम दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, जीसीडी और एलसीएम। ये वैसे हमने छोटी क्लासों में भी कर रखा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम डिवाइजर्स के हेल्प से ग्रेटेस्ट जीसीडी और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स गिवन है, और हमें क्या निकालना है, इनका जीसीडी। तो कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए इनका जीसीडी डी है, हमेशा नोटेशन कैसे होती है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है इनको, ए बी ऐसे लिखेंगे तो वो इनका क्या हो जाएगा, जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, इफ डी डिवाइड्स ए डी डिवाइड्स बी, मतलब कि क्या होना चाहिए, पहले तो वो उन दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करे। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई और हमें इनका कॉमन मल्टीपल मिल रहा है, देखिए कॉमन डिवाइजर सॉरी, अगर सी डिवाइड्स ए सी डिवाइड्स बी, मतलब कि सी भी हमारे पास एक इंटीजर ऐसा मिल जाए जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो सी ऑल्सो डिवाइड्स डी। यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो जो डी है वो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर ए और बी का कोई भी कॉमन डिवाइजर है सी, तो जो सी है वो उसको भी डिवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी है वो क्या हो जाएगा, ए और बी का जी सी डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि कॉमन डिवाइजर्स का भी क्या होना चाहिए, अगर कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर है तो वो जो दूसरा कॉमन डिवाइजर है वो ऑलवेज क्या करेगा, जो हमारा जी सी डी आएगा
उसको हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके बेस पे कुछ रिमार्क्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट रिमार्क हमारे पास क्या है कि कोई भी दो नंबर हो उनका जीसीडी ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास अगर मान लीजिए ए डिवाइड्स बी है, मतलब कि अगर एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है, मल्टीपल है, तो अगर मैं इनका जीसीडी निकालूं ए और बी का तो हमेशा क्या आएगा, ए। ठीक है, और अगर आप ए और बी का जीसीडी निकाल लो, चाहे बी का और ए का, तो ए की बात है तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए का बी का जीसीडी इज इक्वल टू बी और ए का। एक रिमार्क और देखिए, फोर्थ रिमार्क हमारे पास, अगर आप किसी भी नंबर का जीसीडी निकालेंगे, नेगेटिव नंबर का भी वही जीसीडी आएगा। मान लीजिए यहाँ से आपने ए और बी का जीसीडी निकाल लिया, वो डी आ रहा है, तो ए का और माइनस बी का जीसीडी भी डी ही आएगा, माइनस ए और माइनस बी का जीसीडी भी डी आएगा, और माइनस ए और बी का जीसीडी भी डी ही आएगा। ठीक है, मतलब कि इन नंबर्स में से आप किसी का भी नेगेटिव कर देंगे तो भी वही जीसीडी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिमार्क हो रहा है, जीरो का जीसीडी करेंगे अगर हम किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर के साथ, तो हमेशा वो नंबर आ जाएगा ए। जैसे कि हमने जीरो का वन के साथ जीसीडी किया तो वन आएगा, जीरो का टू के साथ जीसीडी निकाल दिया तो वो टू आएगा। ठीक है, और जीरो का माइनस ए के साथ निकालेंगे तो भी ए ही आएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर सोचे तो अगर दोनों नंबर जीरो हो जाए, सिक्स रिमार्क और देख लीजिए, जीरो का जीरो के साथ जीसीडी इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कुछ रिमार्क्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे थ्योरम्स करने में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है हमारे पास। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, और हमें इनका क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सपोज कीजिए हम उसको हमेशा ना, डी का मतलब क्या होगा हमारे पास, जी सी डी, तो अब डी मत लेट करना है यहाँ पर, कुछ और मान लेते हैं, एम मान लिया हमने। एम क्या है, इन दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वो किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, कंडीशन सॉरी, ए डिवाइड्स एम एंड बी डिवाइड्स एम, मतलब कि जो एम है वो ए और बी दोनों को कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। एम इज कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कोई दूसरा भी कॉमन मल्टीपल हो सकता है, सेकंड, ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी। यहाँ पर सी भी क्या है, कॉमन मल्टीपल है, लेकिन जो एम आया है वो भी क्या करेगा, इस सी को जरूर डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज एम डिवाइड्स सी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया, जो एम है इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद एक चीज और है, देखिए रिमार्क के तौर पर लिख सकते हैं हम उसको, इनकी नोटेशन और देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर हम ऐसे लिखेंगे ए और बी, उसका मतलब क्या होगा, जी सी डी, और अगर जी सी डी, और अगर हम ऐसे लिखेंगे इस वाली ब्रैकेट में तो हम उसको क्या कहेंगे, एलसीएम। ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी, ठीक है, लिखने की। तो यहाँ से हमें ये पता है कि अगर कोई भी दो नंबर है ए और बी, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम, और जी सी डी की मल्टीप्लाई करने पर भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कई बार हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो जी सी डी हमने निकाल दिया और दो नंबर हमारे पास गिवन है, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर देंगे, ए और बी की मल्टीप्लाई और डिवाइड में जी सी डी कर देंगे, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। मतलब कि मेन बात क्या है, अगर हमारे पास एलसीएम या जी सी डी में से एक वैल्यू भी पता है तो हम दूसरी वैल्यू सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो अभी बहुत सारी थ्योरम्स हैं के बेस पर, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।